अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा फोटो शेयरिंग साइट इंस्टाग्राम में 50 लाख फॉलोअर्स के साथ नए मुकाम पर पहुंच गई हैं। 33 वर्षीय अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी साझा की और अपने चाहने वालों को अपार प्यार के लिए धन्यवाद दिया। प्रियंका ने ट्विटर पर लिखा, इंस्टा पर 50 लाख चाहने वालों को बहुत धन्यवाद, हमारा परिवार बढ़ रहा है। प्रियंका वर्ष 2000 में विश्व सुंदरी बनी थी। उन्होंने 2003 में द हीरो फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा। 10 साल के करियर में उन्होंने ऐतराज, फैशन, कमीने, सात खून माफ, बर्फी, दिल धड़कने दो और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों में काम किया है। बॉलीवुड की पहली थ्रीसम फिल्म इश्क जुनून द हीट इज ऑन का पहला गाना कभी यूं भी रिलीज हुआ है। इस बोल्ड गाने में वरदान सिंह ने अपनी आवाज दी है। ये गाना काफी बोल्ड है। इस गाने में बोल्डनेस की सारी हदें टूट गई हैं। खास बात ये है कि इस गाने को 2 दिन में करीब 8 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो 2 युवकों के जाल में फंस जाती है। एक युवक से वो खुद प्यार करती है तो दूसरा उसे अपना बनाना चाहता है। बता दें, इस फिल्म में 3 नए चेहरे राजवीर सिंह, दिव्या सिंह और अक्षय रंगशाही डेब्यू कर रहे हैं। बेबी डॉल सनी लियोन वैसे तो अपनी बोल्ड इमेज के कारण जानी जाती है, लेकिन सनी को लेकर मारपीट का मामला पहली बार सामने आया है। जी हाँ, एक्टर रजनीश दुग्गल को उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 6 बार थप्पड़ जड़ा है। ये घटना मुंबई के एक पब में हुई। अरे अरे, गलत मत समझिए, आपको बता दें कि सनी लियोन ने ये थप्पड़ शूटिंग के दौरान जड़े हैं। सनी की आने वाली फिल्म बेईमान लव की शूटिंग मुंबई के एक पब में हुई। सनी को एक सीन में रजनीश दुग्गल के गाल पर चांटा मारना था। शुरू में सनी कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही थी, लेकिन जब डायरेक्टर ने उनसे कहा कि आप रीटेक ले सकती हैं, तब सनी ने इस सीन को फाइनल करने के लिए रजनीश दुग्गल के गाल पर 6 थप्पड़ जड़ डाले। इसके बाद सनी को ओके किया गया। पिछले दिनों खबरें गर्म थी कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का ब्रेकअप हो गया है, लेकिन एक फैशन मैगजीन ने दावा किया है कि इनका ब्रेकअप नहीं बल्कि झगड़ा हुआ है। इस कपल के अलगाव की खबरें तब शुरू हुई जब दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया। खबरें तो यहाँ तक आई कि अनुष्का ने विराट के मैरिज प्रपोजल को भी ठुकरा दिया था। ऑस्ट्रेलिया ट्रिप पर जाने से पहले ही विराट ने BCCI से आगामी श्रीलंका टूर के लिए छुट्टियाँ मांगी थी, ताकि वो अनुष्का के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए वेकेशन प्लान कर सके, क्योंकि इसके बाद दोनों अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में बिजी हो जाएंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि अनुष्का ने फिल्म सुल्तान साइन कर ली, जिसके चलते कपल का वेकेशन प्लान फ्लॉप हो गया। इसी वजह से विराट अनुष्का से खफा हो गए और दोनों के बीच झगड़ा हो गया। लेकिन अब विराट किसी शूट के सिलसिले में मुंबई जा रहे हैं और सुनने में आया है कि सुल्तान के लिए अनुष्का के आउटडोर शूट पर जाने से पहले ये कपल पैचअप करेगा। लंच बॉक्स और एयरलिफ्ट जैसी सुपरहिट फिल्में करने वाली निमरत कौर ने हाल ही में एक हॉट फोटोशूट करवाया है। ये फोटोशूट उन्होंने फैशन मैगजीन FHM के लिए करवाया है। फिलहाल तो इस फोटोशूट की एक तस्वीर सामने आई है, जिसे उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। इस तस्वीर में वो सिर्फ ड्रा पहने नजर आई है। उनका ये हॉट लुक सबको हैरान जरूर कर रहा है। वैसे उन्होंने और भी कई हॉट फोटोशूट करवाए हैं। आइए डालते हैं एक नज़र। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।